देश में 5G सेवा मोबाइल सेवाओं की दुनिया में एक ऐतिहासिक फैसला बताया गया है। 5G सेवाएं भले ही अभी टेस्टिंग फेज में हो, लेकिन इनके नाम पर साइबर अपराध होने शुरू हो गए हैं। 5G सिम अपग्रेड कराने के नाम पर देश भर में कई लोगों से ठगी होने की खबरें सामने आई हैं। टू जी, थ्री जी, फोर जी के बाद अब 5G। जिस तेजी से मोबाइल इंटरनेट ने रफ्तार पकड़ी है, उससे दोगुनी तेजी से उसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ी है। इंटरनेट का इस्तेमाल जिसके जैसे मन में आया उसने वैसे किया, जिसको पढ़ाई करनी थी उसने पढ़ाई से जुड़ी जानकारी जुटाई, और जिसके मन में चोर था उसने साइबर अपराध की नई विधा सीख ली। अब यही विधा इंटरनेट इस्तेमाल का सबसे बड़ा खतरा है। इंटरनेट से जुड़ी तकनीक और स्पीड जिस तेजी से बढ़ी है, उसी तेजी से साइबर अपराध भी बढ़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में वर्ष 2020 में 50,035 और वर्ष 2021 में 52,974 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए। यानी वर्ष 2021 में प्रतिदिन 145 लोग साइबर अपराधियों का शिकार बने। वर्ष 2016 से 2020 के बीच साइबर अपराध सालाना 10% की रफ्तार से बढ़े हैं। वर्ष 2012 में साइबर अपराध के केवल 3,377 मामले दर्ज किए गए थे, जो वर्ष 2020 तक आते आते 50,000 का आंकड़ा पार कर गए। यानी जिस तेजी से इंटरनेट की रफ्तार बढ़ी, उसी तेजी से साइबर अपराध भी बढ़े। मतलब यह है कि केवल इंटरनेट यूजर ही 2G से 5G नहीं हुए, साइबर अपराधी भी 5G हो चुके हैं। हम आपको मुंबई के अजय से मिलवाना चाहते हैं। अजय ने हाल ही में 5G सुविधा से लैस नया फोन लिया था। सिम अपग्रेड के नाम पर साइबर अपराधियों ने अजय को अपना शिकार बना लिया। इनके बैंक खाते से अब तक 10,000 रुपए निकाले जा चुके हैं। साइबर अपराधों को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश लगातार की जाती है, लेकिन साइबर अपराधी भी खुद को वक्त के साथ अपग्रेड करते रहते हैं। अब जब देश में 5G सर्विस लेने और उसका फायदा उठाने की होड़ मची है, तो ये मौका साइबर फ्रॉड करने वाले भी नहीं चूकना चाहते। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होता है, वही पैसा किसी और व्यक्ति के अकाउंट में क्रेडिट होता है। जल्दी शिकायत दर्ज होने पर आपके पैसे साइबर अपराधी के अकाउंट में ही रह जाते हैं, जिससे वो आपको वापस मिल सकते हैं। इसलिए आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी है। पुलिस विभाग और साइबर एक्सपर्ट का मानना है कि किसी भी प्रकार के अननोन लिंक या फोन कॉल का जवाब देकर उनके साथ अपनी संवेदनशील जानकारियां साझा ना करें, वरना आपको एक लिंक और एक कॉल लाखों और हजारों का चूना लगा सकता है। कैमरा पर्सन अमोल वाघ के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई।